राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है, श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत उपवास के नियम क्या हैं और संतान प्राप्ति के लिए हमें कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ में संतान प्राप्ति के अचूक मंत्र, जिसको अगर श्रद्धा और नियम से अगर आप करें तो अवश्य ही निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से श्री विष्णु की कृपा से संतान रत्न की प्राप्ति होती है और सभी सभी महिलाओं की गोद जो सुनी होती है वो भर जाती हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, परंतु श्रावण मास की एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में दो बार पौष और श्रावण में आता है। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत को फलदायक माना जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को बेहद अहम माना जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एकादशी का महत्व बहुत है, परंतु श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, चलिए आइए जानते हैं बारे में। एकादशी का व्रत अगर नियम पूर्वक रखा जाए तो मन की चंचलता दूर होती है। एकादशी का व्रत करने से धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन के सभी विकार दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों का निवारण होता है। श्रावण की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस उपवास को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण होता है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी व्रत। निर्जल व्रत केवल स्वस्थ मनुष्य को ही रखना चाहिए। अन्य सभी जो निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, उन्हें केवल फलाहारी व्रत का ही पालन करना चाहिए। अनाज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एकादशी वाले दिन। संतान के लिए हम भगवान नारायण या भगवान कृष्ण की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब मैं वो आपको अचूक उपाय बताने वाली हूँ, जिसको करने से सभी की गोद भरेगी और सभी को संतान की प्राप्ति होगी और आपकी जो संतान है उस अगर कोई समस्या है तो उसका भी निवारण होगा। तो आप इस उपाय को अवश्य करें। मैं आपको सबसे पहले उपाय बताती हूँ, फिर उसके बाद पूजा विधि और नियम बताऊंगी। उपाय आइए जानते हैं। सबसे पहले एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात आप भगवान के सामने, कृष्ण भगवान के सामने बैठ जाएं। सुबह पति पत्नी दोनों को यह उपाय एक साथ करना है। कृष्ण भगवान की फोटो के सामने यह उपाय को करना है, या अगर आपके पास मूर्ति है तो इस उपाय को मूर्ति के सामने ही करें। उन्हें पीले फल फूल, तुलसी दल, पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान कृष्ण को प्रसाद अर्पित करें और फिर पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से उस प्रसाद को ग्रहण करें। अगर आप उपवास रखें और उपवास के नियमों का पालन करें तो आपको अवश्य ही फल मिलेगा। यह बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से बहुत लोगों को इसका फल मिला है। एक बार आप इसे जरूर करें तो करने का जो फल है आपको स्वयं ही पता चल जाएगा क्या है। अब मैं आपको इसका मंत्र बताती हूँ कि मंत्र क्या है, जो संतान गोपाल मंत्र जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता।
ये संतान गोपाल मंत्र है। और दूसरा जो एक और मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा मंत्र है वो बाल गोपाल मंत्र है। बाल गोपाल मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। दोनों मंत्र बहुत ही प्रभावकारी हैं। आप एक बार इसको करिए, इसके चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। और मंत्र को करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी मंत्र का जप करें उसे तुलसी की माला या चंदन की माला से करें, और भगवान कृष्ण की बाल गोपाल की फोटो और मूर्ति के सामने ही करें। तो उपाय को अवश्य करें, यह बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देने वाला है और बहुत ही प्रभावशाली है। अब मैं आप सावन पुत्रदा एकादशी का जो उपवास का नियम और व्रत की क्या पूजा विधि है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे तो उसके नियम और पूजा विधि को भी जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। एकादशी व्रत उपवास के क्या नियम है? दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं का सेवन आप दशमी के दिन ही करना बंद कर दें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी उस दिन वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही इसका करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। आप इसे घर में भी कर सकते हैं, गीता पाठ घर में भी कर सकते हैं। उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत लाभदायी होता है। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। यह आपको भगवान के सामने संकल्प लेना है। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करें। आपको यह मंत्र का जप पूरे एकादशी वाले दिन करते रहना है। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को भी कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। और आप अपने संकल्प के लिए प्रार्थना करें कि भगवान आपके संकल्प को पूरा करें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न या आदि कदापि ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है, इसलिए वैष्णवों की योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन इस समय करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए और क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन का बोलना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है और उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नियमों को अगर आप पालन करें तो एकादशी वाले नियम को पालन करने से बहुत ही लाभ मिलता है। इसलिए नियमों का पालन करके ही आप एकादशी व्रत का व्रत करें। अब आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि क्या है। सबसे पहले सूर्योदय के पूर्व उठें। सूर्योदय के पूर्व उठकर भगवान विष्णु नमन करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं। अब भगवान विष्णु को नवेद्य और फलों का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी, मौसमी फल और तिल का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें और आरती उतारें। पूरे दिन निराहार रहें, शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें और रात्रि के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन अवश्य करें। इस दिन चावल, एकादशी वाले दिन चावल और बैंगन खाना नहीं चाहिए और मांग कर किसी से नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन जुआ आदि नहीं खेलनी चाहिए। इन सब का पालन आप नियम में अवश्य करें। उसके बाद पूजा विधि में भगवान को फल, फूल, तिल और तुलसी चढ़ाएं, व्रत कथा का पाठ करें और दिन भर निराहार रहें। शाम के समय फूल, फल, मिष्ठान, श्रीफल आदि सामग्रियों को एक बार फिर से भगवान का पूजन करें। अगर आप सुबह कथा को नहीं सुन पाए हैं या पढ़ पाए हैं तो शाम के समय कथा का पाठ अवश्य करें। एक समय आपको कथा जरूर ही सुननी है। इसके बाद दूसरे दिन यानी द्वादशी को इस व्रत का पारण करें। प्रातः काल स्नान आदि करके फिर से पूजन करें भगवान का और फिर ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन करवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, फिर अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, मैंने श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो एकादशी के दिन आप जरूर उस कथा को सुनें। उस कथा को सुनने से महाफल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि आज की सलाह क्या है। आज की सलाह में आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि पूर्वजों का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त होगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे एक बस छोटा सा आपको उपाय करना है और बहुत ही अच्छा उपाय है ये, बहुत ही आसान उपाय है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमें सिर्फ क्या करना है कि गुड़ का दान करना है। गुड़ का दान करने से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर में कलह और दरिद्रता का नाश होता है और इससे आपको धन और सुख की प्राप्ति भी होगी। इसलिए गुड़ का एक छोटा सा ये आसान उपाय है, सिर्फ गुड़ का आपको दान करना है। इससे बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं इसके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए और अपने इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ जुड़कर दुनिया में खुशियां फैलाइए। दोस्तों, ऐसी ही नई नई जानकारी और अच्छी अच्छी जानकारी मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और साथ में मिलकर खुशियाँ फैलाएँ। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।